उन बच्चों की अगर आप तैयारी देखेंगे जो जिस दिन की तैयारी थी उस दिन उन्होंने करी, और वही चीज करना मुश्किल है। छूट गई थी, बैकलॉग हो गया था, कई सारे टॉपिक्स पीछे छूट गए थे। लेकिन अगर आपने जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखी होगी कि सारे के सारे जुनून के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। आप 100% कंसिस्टेंट कभी नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपके हाथ में कंसिस्टेंट रहने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं खोनी है। आप लोग कई बार ठीक है, आप डिविएट हो जाएंगे अपने रास्ते से, आपको कोई और कुछ बोल के चला जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको अपना फ्रेंड सर्कल या अपना सर्कल हमेशा वैसा रखना है जो एक हेल्दी कंपटीशन को आपको सपोर्ट करे। आप भी किसी की सक्सेस से जलना मत, फेलियर से ये मत घमंड करना कि आप बेटर हैं। आपको हमेशा सीखना है। हो सकता है वो आपकी लाइफ आपको गलतियां करके सिखा दे, या फिर अगर आप और स्मार्ट हुए तो आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये पूरा रास्ता कठिन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। उन बच्चों की अगर आप तैयारी देखेंगे जो जिस दिन की तैयारी थी उस दिन उन्होंने करी, और वही चीज करना मुश्किल है जिस दिन का जो काम दिया जाता है, जब टीचर बोलता है कि यार रिवाइज करके आना, तो आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यस, जो सर ने बोला है, भले वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, मैं तीनों सब्जेक्ट को बराबर रखने की कोशिश करूंगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो होगा क्योंकि आपका तीनों सब्जेक्ट में सेम आईक्यू नहीं चलेगा। कईयों का चलता है, कईयों मेजॉरिटी का नहीं चलता है। एक ना एक सब्जेक्ट ऊपर नीचे होगा, वो होगा, लेकिन आपकी तैयारी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए कि आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके तैयार करते रहे। सभी लोगों को जरूर बोलूंगा कि क्या चीजों पर आपको ध्यान ज्यादा